वेलकम बैक टू चैनल गाइज, मैं स्वप्निल और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कूलर। तो बिना किसी देरी के बढ़ते वीडियो की ओर, आप तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक थर्माकोल बॉक्स लिया है जिसका डायमेंशन कुछ ऐसा है। कटिंग करने के लिए मैं अभी यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद थर्मोकॉल बॉक्स अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। इस कूलर में मैं हनी पैड्स का यूज कर रहा हूँ जो कि कंपेयरिंग टू ग्रास आसान होता है इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पर मैंने हनीकॉम पैड्स को ऑलरेडी कट कर लिया है, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं हमारे कूलर में। यहाँ पर मैं हनीकॉम पैड्स को अच्छे से फिक्स कर रहा हूँ ग्लू गन की मदद से। तो गाइज, अब हमें इस कूलर का वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच का पीवीसी पाइप यूज किया है। वाटर ड्रॉपिंग के लिए यहाँ पर मैं एक इंच का गैप छोड़कर होल्स कर रहा हूँ। वाटर पंप का पाइप इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहां पर 6 mm का होल किया है। अब मैंने यहां पर यह पूरा सिस्टम थर्मोकॉल बॉक्स के लीड के अंदर अच्छे से फिक्स कर दिया है। कूलर का एयर यूनिट बनाने के लिए मैं यहां पर MDF बोर्ड का यूज कर रहा हूं और मैंने इसको कुछ इस प्रकार से कट किया है। इसको आपस में जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर फेविक्विक का यूज किया है। अब मैं यहाँ पर इसके बेटर लुक के लिए स्काई ब्लू कलर का स्प्रे पेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस स्विच को इंस्टॉल कर रहा हूँ जो कि हमारा वाटर पंप को ऑन ऑफ करेगा, और फैन के लिए मैंने यहाँ पर कोई स्विच इंस्टॉल नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई के लिए फीमेल एडेप्टर कनेक्टर को इंस्टॉल किया है। गाइज, ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर के पीसी फैंस है जिसका एयर फ्लो काफी अच्छा है। यहां पर मैंने फैंस को इंस्टॉल कर लिया है और इसका लुक भी काफी अच्छा आ रहा है। यहां पर मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगा आरव और अनन्या को, जो कि मेरे नीस और नेफ्यू है, जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की इस वीडियो को बनाने में। गाइज, यहाँ पर अब मैं वायरिंग कर रहा हूँ। आपको वायरिंग करने में आसानी हो इसलिए मैंने इस डायग्राम को बनाया है, पर तब भी कोई वायरिंग करते समय कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस वाटर पंप का यूज कर रहा हूँ जिसका स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। गाइज, अब मैं यहाँ पर थर्मोकॉल बॉक्स की लीड को कट कर रहा हूँ ताकि हमारा एयर यूनिट उसमें से एयर को पुल कर सके। अब मैं यहां पर वाटर पंप के पाइप के कनेक्शन कर रहा हूं।
और यहाँ पर मैंने वाटर पंप का वायर कनेक्ट कर दिया है और इसी के साथ ही हमारा कूलर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने इस एयर यूनिट को फिक्स नहीं किया है क्योंकि यही से ही हम इसके अंदर वाटर फिल करने वाले हैं। तो चलिए गाइज अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, पर टेस्टिंग से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में। गाइज अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर 1 लीटर वाटर फिल कर दिया है, पर इसके अंदर हम 2.5 लीटर तक वाटर फिल कर सकते हैं। और बेटर कूलिंग के लिए मैं अभी इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर रहा हूँ। गाइज यहाँ पर मैं इस पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, इसका स्पेसिफिकेशन 12 वोल्ट 16 एम्पियर है, पर आप 5 एम्पियर तक का भी पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइज अब करते इसको ऑन, और यहाँ पर मैंने इसका वाटर पंप भी ऑन कर दिया है। अब करते इसका टेम्परेचर चेक, यहाँ पर मैंने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड किए हैं, इसका टेम्परेचर रिड्यूस तो होगा ही, पर विदाउट एडिंग आइस क्यूब भी इसका टेम्परेचर 26 तक रिड्यूस होता है। अब चेक करते हैं इसका एयर फ्लो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।